का है, 12 वोल्ट है, ये सबसे मेन पार्ट है जनरेटर का स्टार्टिंग के वजह से। फिर आगे चलते हैं। ये दूसरा स्टार्टर है, ये ऑटो कटर है स्टार्टर। इधर आ गया, इधर रिले वगैरह फ्यूज़ वगैरह बॉक्स है, अल्टरनेटर का फ्यूज़ और अल्टरनेटर बाद में स्टार्टर और इसके फ्यूज़ इधर है। ये रिले, ये फ्यूल पंप है, जैसे रिले से अभी हमने बताए जैसे फ्यूज़ है, ये उधर से आता डीसी पावर बैटरी से होकर इसी में आता ये, और इसमें मोटर डीसी मोटर है 12 वोल्ट की, ठीक है। जैसे की ऑन करते तो ये मोटर स्टार्ट हो जाता डीसी मोटर। ये फ्यूल सक कर कर, ये फ्यूल लाइन है, ये सक कर कर फिर दोबारा रिटर्न हाई प्रेशर पंप को डिलीवरी करता फ्यूल। ये हो गया डीजल सेंसर, यानी टेम्परेचर सेंसर, डीजल कितना हीट है क्या नहीं इस हिसाब से ये ECM को जाता रेफरेंस सिग्नल। ये हो गया पंप, हाई प्रेशर पंप है। और ये है, इसको बोलते, इसके नाम मैट्रिक वाल बोलते हैं, सोलोनाइड भी बोलते हैं और डीजल रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको पावर आता ECM से, ECM कंट्रोल करता ये पंप को। इसमें कोई एक्सलेटर वगैरह पैडल कुछ नहीं है, जैसे कि एक्सलेटर केबल रहता है या एडजस्टमेंट रहता है इधर इधर, ऐसा कुछ नहीं है इधर, ठीक है। सीधा ECM से ये कंट्रोल होता। इसका RPM तकरीबन 1500 से 1800 RPM है, यानी AC को तैयार करने के लिए 15 से 1800 का स्पीड चाहिए हाई प्रेशर पंप के लिए। फिर ये वाला अल्टरनेटर है, जैसे कि बैटरी से 12 वोल्ट लेकर फिर 14.5 DC रेफरेंस DC सिग्नल देता है, यानी चार्जिंग कन्वर्ट कर फिर ये अल्टरनेटर फिर दोबारा बैटरी को चार्ज करता, फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं इसी से DC से। इसको अल्टरनेटर है। इधर है वाटर पंप, रेडिएटर है, फैन वगैरह कुछ बेसिक है। ये पार्किंग्स का है। ये ऑयल प्रेशर सेंसर है, ऑयल कितना प्रेशर है वो सेंस करेगा। चलो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। आज हम कोई ऐसे डिसम्बल रिपेयर के लिए आज का वीडियो नहीं था, बेसिक के बारे में था, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक ले अल्लाह हाफिज़।